जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्नैक्स सेवर YRY। जय हिंद दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्नैक्स सेवर YRY। मैं हूं आपका दोस्त समीर यादव, कैमरामैन जितेंद्र यादव के साथ। और अभी हम लोग निकले हुए हैं रेस्क्यू में। तो देखते हैं दोस्तों को कौन सा सांप है, क्योंकि घर वाले लोग काफ़ी पैनिक भी हैं और लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। तो हम लोग जा करके डर को हटाएंगे दोस्तों, और आप लोग वीडियो में बने रहें और देखते रहें। तो दोस्तों देख सकते हैं रात का समय है, गाड़ी आ रही है और लाइट पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएँ सावधानी से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग उस बस्ती पे आ चुके हैं जिसका नाम है झगराही बाद, जो कि बोकारो जिला के अंतर्गत पड़ता है दोस्तों। और आप देख रहे हैं ये है स्टेट झारखंड। तो दोस्तों देख सकते हैं ये काफ़ी सुनसान गली है और गांव की सकरी गलियां देख ही सकते हैं किस तरह से बनी हुई है। तो अब बस हम लोग जस्ट पहुँचने ही वाले हैं, गाँव में घुस चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें। जैसा कि हम लोग पहुंच चुके हैं और देखते हैं, देखिए ग्रामीण वाले लोग काफी यहाँ वेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर है, देखिए इसलिए बोला यार, काफी लाइट चमक रहा है ना। चलो बाबू जी करे, जमा कर लो आराम, सामने से लो। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से मेढक को पकड़ा हुआ है। ये कॉमन क्रेट है जो कि ठंडे का सीजन है, और देख सकते हैं ये अभी ठंडे का सीजन है, लेकिन और समय समय देख सकते हैं किस तरह से झूम फटना नहीं चाहिए। और समय झूम करो, क्या लग रहा है मुंह के पास से मेढक पकड़ा, सो कब लेगा, छोड़ देगा था। ये देख सकते हैं किस तरह से एक कॉमन क्रेट जो है, काफी बिग साइज का कॉमन क्रेट है ये, और ये मेढक को पकड़ा हुआ है फीडिंग करने के लिए। देख सकते हैं, और ये इसको खाने के लिए जस्ट पकड़ा हुआ है। ये इंडियन कॉमन क्रेट है जो कि काफ़ी हाईली वेनमस स्नेक होता है ये, और इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। ये रात को खास करके ज़्यादा एक्टिव होता है, और जैसे जैसे कि अभी हाइपरनेशन का समय है, ठंडे का समय आ चुका है, और सांप जो है धीरे धीरे अपना आहार करके अधिक ठंड पड़ने के बाद ये अपने बिल पे चले जाते हैं 2 से 3 महीने के लिए, और ये उसी के अंदर ये रहते हैं। जैसे फिर से गर्मी शुरू होगा तो फिर ये निकलना शुरू करते हैं। तभी इसका समझिए लास्ट सीजन है फीडिंग करने का। फीडिंग करने के बाद में ये सांप जो है बिल में चले जाते हैं, और देख सकते हैं ये सांप इस जगह से निकला हुआ है, यानी कि इस घर के इस दीवार में काफ़ी दिनों से यहाँ था, और जैसे ही इसको मेढक मिला ये अपना आहार करने के लिए बाहर निकला हुआ है। और इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनावट देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है, वाइट कलर का मार्किंग होता है इसमें, और बिल्कुल ये ब्लैक कलर का नज़र आ रहा होगा। और ये फीडिंग करना चाह रहा है, देखिए ये अभी आधा से ज़्यादा ये मुंह पे डाला हुआ है। तो दोस्तों वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं इसे खाने तक, और ये फीडिंग जैसे कर लेगा। और ख़ास करके दोस्तों बताना चाहेंगे, मेढक जो होता है फ्रॉग, ये अपने साइज को नॉर्मल साइज से काफ़ी बड़ा कर लेता है, क्योंकि जैसा कि अभी देख सकते हैं वो अपना साइज पूरा फुलाया हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे मुंह का जो साइज है स्नेक का, उससे वो बड़ा करने का कोशिश करता है। ये उसका बचाव का एक तरीका होता है, क्योंकि अगर सांप इसको जो है बड़ा साइज होने की वजह से मुंह में नहीं डाल पाता है, कुछ सांप जो उसको छोड़ देता है, तब वो वहाँ से भाग जाता है। ये इनका बचाव का तरीका है। देखिए पूरा बैलून की तरह फूला हुआ है सांप, से देख सकते हैं ये सांप अभी जो है, जैसे कि देख सकते हैं ये मेढक को छोड़ चुका है और ये बचने का कोशिश कर रहा है। तो अभी हम लोग इसको रेस्क्यू कर चुके हैं, देखिए। और ये मेढक है, हालांकि ये मेढक बच नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वेनम छोड़ चुका है, और धीरे धीरे ये मेढक डेथ कर जाएगा। तो इस सांप को हम लोग सुरक्षित रेस्क्यू कर चुके हैं, और इसको हम लोग रिलीज किया जाएगा कल इसको। तो अब इसको पकड़ते हैं, सांप को रिलीज करते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रेस्क्यू किए थे, और इसको जो है अभी 4 घंटा हो चुका है। तो हम लोग सोचे कि दोस्तों रास्ते पे ही एक जंगल है,
जो बोकारो का जहाँ पर सुरक्षित जगह है यहाँ इसके लिए, वहाँ पे अभी सांप को हम लोग रिलीज करते हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहें और देखते रहें। ये देख सकते हैं काफ़ी बिग साइज का कॉमन क्रेट है दोस्तों। इसको भी प्रकृति में रहना जरूरी है दोस्तों। झाड़ा तो चल जाएगा ना।